नमस्कार किसान साथियों, बात करते हैं प्याज को लेकर और भारत वर्सेस बांग्लादेश को लेकर। किसान साथियों, सबसे मुख्य तौर पर ये मुख्य क्यों होता है और इसका जो मायने होता है सबसे मुख्य तौर पर क्यों होता है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसान साथियों। क्योंकि बांग्लादेश जितना भी प्याज आयात करता है 99% अपने इंडिया से ही जो प्याज है वो निर्यात किया जाता है, मतलब बांग्लादेश की तरफ भेजा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस समय जो स्टेटस है, वर्तमान समय की स्थिति कैसी नज़र आ रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको सारी सटीक जानकारी सटीक अपडेट के द्वारा बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अनुरोध है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जरूर पहुँच जाएगा। किसान साथियों, अगर बात करें माहौल की और वर्तमान समय के जो रेट की, तो किसान साथियों वर्तमान समय में जो रेट हैं वो कहीं ना कहीं सामान्य तौर पर ही देखने को मिल रहे हैं अपने इंडिया में। और किसान साथियों, अगर निर्यात की बात करें बांग्लादेश की तरफ, तो किसान साथियों बांग्लादेश में जो अभी वर्तमान समय में जो निर्यात है वो किसान साथियों 110 गाड़ियों से भी अधिक का जो निर्यात है वो इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन किसान साथियों, आने वाले समय में ज़्यादा निर्यात भी हो सकता है। और बांग्लादेश के अगर रेट की बात करें किसान साथियों, तो 35 से लेकर 27% के हिसाब से वहाँ पर जो रेट है प्याज का रेट है वो किसान भाइयों देखने को मिल रहा है।